नमस्कार, सोक्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, आपने पास्ता तो कई बार खाया होगा, खिलाया भी होगा, मगर ये जो पास्ता है, ये एक बार अगर आपने बना के खिला दिया किसी को, तो बच्चे हों या बड़े हों, वो आपकी तारीफ़ के पुल बांध देंगे और अगली बार ऐसे ही पास्ता की डिमांड करेंगे। तो ये है रेड सॉस पास्ता, और चलिए इसको देखते हैं फटाफट कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 किलो टमाटर ले लिए हैं। यहाँ हम 10 से 15 बच्चों के हिसाब से ये पास्ता बना रहे हैं। तो 1.5 किलो टमाटर को 4 पीसेस में करके इसको उबाल रहे हैं, पानी में डाल दिए। पानी उतना ही लें आप जितना आवश्यकता है, टमाटर डूब जाएं। और इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाल रहे हैं। ज़्यादा पानी बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसको पानी के साथ ही पीसना है। ठंडा होने के बाद नमक डालेंगे 1 छोटी चम्मच, ताकि टमाटर अच्छे से और जल्दी से गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स देते हैं और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक एकदम पका लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पास्ता उबालने के लिए एक बड़े बर्तन में काफ़ी सारा पानी चढ़ा दिया है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल, और यहाँ पर है हमारे पास ये स्पाइरल पास्ता है। ये हमने ओपन लूज़ वाला लिया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं स्पाइरल पास्ता। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। पास्ता डालने के बाद एक बार चला दें, क्योंकि ये नीचे चिपक जाता, सेटल हो जाता है। तो इस तरीके से एक बार आप इसको हिला दें और फिर इसको उबलने दें। पास्ता उबालने के लिए हमेशा ढेर सारा पानी लेना चाहिए, जिससे कि उसका स्टार्च जो है वो निकल जाए, तो आपस में वो चिपकेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। इसको छानने के बाद इसको हमने ठंडे पानी से धुल लिया है, ताकि इसकी एक्स्ट्रा जो कुकिंग है वो रुक जाए। और अब इसे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इस तरीके से 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसको हाथों से मिक्स कर देंगे। ये दूसरी तरफ टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ज़रूर पकाएं, और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। देखिए, ठंडा हो चुका है। अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। पानी को डिस्कार्ड नहीं, यानी फेंकना नहीं है, पानी के साथ ही हम इसको पीसेंगे। अब पीसने के बाद इसको आप इस तरीके से छन्नी के द्वारा इसको छान लें। इससे बीज और छिलका अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से बीज और छिलका इसका अलग हो जाएगा बड़े आराम से। दूसरा बैच भी हम इसको छान लेते हैं। देखिए, छन चुका है, बीज और छिलका निकल चुका है, और ये प्योरी बिल्कुल छन के रेडी है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी सी अल्मीनियम की कढ़ाई ले ली है, जो कि पास्ता ज़्यादा है, तकरीबन 1.25 किलो पास्ता है। तो अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसमें, और इसको अब गर्म होने देते हैं। लहसुन बारीक कटा हुआ एकदम मिंस है, और इसको डाल देंगे। यहाँ पर ये 2 बल्ब लहसुन है, यानी तकरीबन 20 से 25 कली लहसुन की है, तो ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब
थोड़ी देर बाद ही इसमें हम ये डाल देंगे प्याज, 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, बारीक कटे हुए हैं, और इसको सौते कर लेंगे। इस पास्ता को और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 शिमला ले ली है और छोटे पीसेस में इसको काट लिया है। इसको भी इसके साथ हम सौते करेंगे। दो मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको भूनने के बाद अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे जो हमने तैयार किया है। और इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच है, या अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप। और इसको बढ़िया सा रेड कलर देने के लिए यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अदरवाइज ना डालें। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, टोटल नमक अभी इसी समय आप इसमें डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं, ये ढेर सारी हमारे पास मिक्स हर्ब्स हैं, ड्राइड मिक्स हर्ब्स हैं, ये कोई पिज़्ज़ा सीजनिंग्स हैं। ये पाँच मिनट पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे पास्ता, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पास्ता आपको थोड़ा सा अलदानते यानी हल्का सा कच्चा ही छानना पड़ेगा उबालते समय। दो मिनट और पकाने के बाद ये पास्ता बिल्कुल रेडी है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।